Hello everyone, namaste and welcome back to my channel. It's Makeup Art with Geet and I hope aap sabhi log theek honge. Please stay home, stay safe, kyunki abhi ka jo situations hai aap sabhi log ko pata hai bahut hi kharab hai, right? So guys, aaj main aap logo ke samne keratin treatment कैसे करते हैं वो बताना चाहती हूँ और प्रोडक्ट नॉलेज आपको देना चाहती हूँ. एक्चुअली मैं नहीं, मेरा फ्रेंड देना चाहती है, निशा शर्मा. सो आइए गोदरेज कैरेटिन ट्रीटमेंट के बारे में कुछ आप लोग जानिए और देखिए. सो आपका गोदरेज प्रोफेशनल का प्रोडक्ट है. सो बेसिकली गोदरेज प्रोफेशनल लॉन्च हुआ है 2017 में. अगेन 2017 में लॉन्च होने के कारण नॉर्थ ईस्ट में वो लॉन्च हुआ है जनवरी में दिस ईयर. ओके, सो अभी हम लोग सिलीगुड़ी में लास्ट मंथ आए थे एंड लास्ट मंथ ओके वी केम. सो अभी हम लोग शुरू करते हैं कैरास्मूथ से. सो बेसिकली कैरास्मूथ एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है. सो मार्केट में बहुत सारे ऐसे बातें होते हैं कि कैरेटिन ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट, स्ट्रेटनिंग, राइट? तो ये बेसिकली सिर्फ प्रोटीन ट्रीटमेंट है. जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो बालों में बहुत सारे प्रोटीन की ज़रूरत होती है. उनमें से एक होता है कैरेटिन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है पूरे बालों का. ओके, हमारे पूरे बाल प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, तो वही प्रोटीन हम आपके बालों में आर्टिफिशियली डिपॉजिट कर रहे हैं. क्लियर? हमारे प्रोडक्ट रेंज में आपको शैम्पू, प्रोटीन, मास्क एंड आफ्टर द ट्रा है, वो सब रेंज यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है. अगेन शैम्पू होता है, मेन प्रोटीन होता है, देन नेक्स्ट डे हम लोगों को जो क्लाइंट को होम केयर देना होता है या वॉश करना होता है उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्ट्स है. सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रीटमेंट है ये है आपका केरा केयर रिपेयर. सो ये हम आफ्टर द ट्रीटमेंट होम केयर के लिए देते हैं. केराटिन में हम लोगों को दूसरा होम केयर इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि केराटिन का जो शैम्पू और होम केयर होता है वो बेसिकली बहुत माइल्ड होता है और आपका जो शैम्पू होता है वो सल्फेट फ्री शैम्पू होता है. अगेन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है असाई ऑयल. सो हम यहाँ पे क्लाइंट को सीरम नहीं देते, हम असाई ऑयल देते हैं एंड असाई ऑयल इज़ अ ट्रीटमेंट जहाँ पे ये आपके बालों को प्रोटेक्शन देता है और केराटिन करने के बाद प्रोटेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है. ठीक है, हम सबसे पहले क्लैरिफाइंग शैम्पू से शुरू करेंगे. क्लैरिफाइंग शैम्पू हम लोगों का पीएच लेवल को बढ़ाता है. अगेन पीएच लेवल इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि हम लोगों को बालों के क्यूटिकल को खोलना पड़ता है और बालों के क्यूटिकल को खोलने के बाद ही हम प्रोटीन को डिपॉजिट कर पाएंगे. अगेन यहाँ पर जब हम ओपनिंग की बात कर रहे हैं तो हम क्यूटिकल को खोलते नहीं हैं, हम फुलाते हैं. सो स्वेलिंग करते हैं, स्वेलिंग करने के बाद हम नंबर टू प्रोटीन जो है वो केराटिन मेन प्रोटीन जो होता है वो हम बालों में देते हैं. इसके बाद इसको डिपॉजिट करने के लिए हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं. बहुत सारे ब्रांड में टेम्परेचर्स को लेके बताया नहीं जाता है बट एक्चुअली में हम 210 से ज़्यादा टेम्परेचर का इस्तेमाल नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि 210 से ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर का इस्तेमाल करोगे तो वो आपके केराटिन को जला देता है. एज वेल एज़ बहुत लोग ये भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि केराटिन करने पर भी बाल डैमेज हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर आप सही टेम्परेचर का इस्तेमाल नहीं करोगे या फिर सही थेर में सही हिसाब से आप प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करोगे तो केराटिन की वजह से भी हेयर ब्रेकेज होता है और केराटिन की वजह से आपके बाल और भी ज़्यादा पोरस होने के चांसेस होते हैं. ओके, तो इसीलिए हम लोग ये ट्रीटमेंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी कि किस तरह करना है एंड हाउ यू कैन सजेस्ट द क्लाइंट अकॉर्डिंग टू द हेयर.